हेलो फ्रेंड्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से हमारी ये प्रॉब्लम है। वेसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वॉटर अप टू द ब्रिम व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ द रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इन टू द वेसल्स। 1/4 ऑफ द वॉटर फ्लो आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल्स। ओके फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर एक वेसल कोन की शेप में है जो कि आपका इन्वर्टेड जस्ट लाइक दिस, और ये क्या है, फुल ऑफ वाटर। इसके अंदर अगर हम लीड शॉट जो कि स्फीयर शेप में है विद रेडियस 0.5 उसको अगर इंसर्ट करते हैं तो इसमें आपका 1/4 ऑफ द वॉटर फ्लो आउट हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि फिल ऑफ वाटर है, अगर हम उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं, जैसा कि यहां पर किया गया है लीड शॉट को जो कि स्फीयर शेप में है, तो यहां से कुछ ना कुछ वाटर बाहर आएगा, यू नो दैट। अब यहां पर क्या किया गया, जो नंबर ऑफ शॉट्स डाल रहे हैं तो इसके टोटल वॉल्यूम का 1/4 जो वाटर है वो फ्लो आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीड शॉट्स हैं उसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के 1/4 के इक्वल होगा। तो फ्रेंड, आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसका 1/4 कर देंगे। नाउ जो आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उससे इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ शॉट्स निकल जाएंगी। नाउ फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि 1/4 ही फ्लो आउट हो रहा है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन ये यहां पर होना चाहिए, स्पेस की वजह से हम इसको यहां लिखते हैं 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ पाई से ये पाई कैंसिल, और ये जो आपका फ्रैक्शन है ये आ जाएगा 1/4 × 1/3, और ये जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये आएगा 3/4। नाउ रेडियस ऑफ कोन जो कि आपके पास है 5 सेंटीमीटर, तो हम इसको पुट भी कर देते हैं 5 × 5, एंड हाइट ऑफ कोन इज 8, ये आपका 8 आ गया। नाउ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 × 0.5 × 0.5। नाउ ऑल डेसिमल को रिमूव करते हैं, तो फॉर वन डेसिमल स्टैंड, टू के लिए एक और जीरो, फिर एक और डेसिमल के लिए एक और जीरो। नाउ अब इसे सिंपली सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, नाउ 3 से ये 3 कैंसिल, इससे कैंसिल होके ये आपको मिल जाएगा 2, और 2 से ये कैंसिल होके आपको 2 मिलेगा। नाउ इससे आपने जब इसको कैंसिल किया तो आया 500, और अभी ये 5 लेफ्ट है, इससे कैंसिल होके आपको मिल गया 100। तो आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ शॉट्स आ गए वो आ गए 100, यानी जितने भी आपने इस इन्वर्टेड कोन में शॉट्स डाले थे जिससे आपका 1/4 वॉल्यूम ऑफ वॉटर फ्लो आउट हो गया था, वो शॉट्स के नंबर से आपके 100। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।